हाय फ्रेंड्स, चलते हैं करेले की सब्जी बनाने, वो भी डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं और डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, जो मधुमेह का रोगी रहते हैं वो भी खा सकते हैं, नहीं भी है वो भी खा सकते हैं। और बिना मसाले की बनाएंगे, बोलिए, हल्दी और नमक डाल के। इसके लिए 1 केजी करेला, 4 मिर्ची, चिली, गार्लिक, लहसुन और अदरक और 3 बड़े साइज प्याज लिए हैं। अभी हम करेले को कटिंग करेंगे, सब्जी की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बनाना चालू करेंगे। अभी करेले को अच्छा से वाश करेंगे। हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने करेले को कटिंग कर लिया है और अदरक लहसुन मिर्ची एंड ओनियन प्याज को कटिंग कर लिया है, और प्याज को बारीक में कटिंग किया है। हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, डायरेक्ट डालेंगे हम। देखते रहिए हम क्या करते हैं। और हमने दाल फ्राई किया था, थोड़ा टमाटर बचा था, इसको भी डाल देंगे हम। वैसे डालने वाले नहीं थे, लेकिन हम डाल देंगे इसको। चलते हैं फ्रेंड, स्टोव ऑन करते हैं और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालेंगे, अराउंड 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स ऑयल नहीं डालेंगे, 25 ग्राम डालेंगे, क्योंकि हमने डायबिटीज के लिए एक सब्जी बना रहे हैं। और डायबिटीज भी खा सकते हैं, नॉन डायबिटीज भी खा सकते हैं इसको, नो इशू। अब इसके अंदर डालेंगे जीरा, लहसुन, अदरक, मिर्ची डालेंगे। अब इसको अच्छा से चलाएंगे। अब इसके अंदर करेला डालेंगे, डायरेक्ट करेला थोड़ा डाल के इसको फिर चला लेंगे। बाकी जो करेला बचा था वो पूरा डाल देंगे। अब इसको अच्छा से चला देंगे, मिक्स करेंगे, जो ऑयल पूरे में कोट हो जाए करेले में। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने मसाला नहीं डाला इसके अंदर, अभी हल्दी भी नहीं डाले हैं। हम बताएंगे कब हल्दी डालना है और कब प्याज डालना है, दिखलाएंगे। ये नॉन डायबिटीज और डायबिटीज वाले दो भी खा सकते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं और नहीं भी हैं, कोई भी खा सकते हैं। इसमें ओनली हल्दी और डालेंगे, दूसरा चीज़ नहीं डालेंगे। इसको खुला ही ऐसे पकने देंगे, स्लो आँच में, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, मीडियम आँच होना चाहिए। और थोड़ा सा और हो जाएगा तो स्लो आँच कर देंगे, इसका जो फ्लेम है ना वो स्लो कर देंगे, ढकेंगे नहीं इसको। नहीं ढकेंगे तो बाद में वो चोखा बोलते हैं ना, भुड़ता भुड़ता के जैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ढकना नहीं है इसको। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे करेला टूटा नहीं है। हमारा थोड़ा करेला थोड़ा बड़ा साइज में था, लेकिन फिर भी उसको 2 भाग करके कटिंग किए थे, फिर भी टूटा नहीं है। अब इस स्टेज पे हम प्याज डालेंगे, वो भी फैला के डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे, टर्मरिक 1 ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। स्वादानुसार सॉल्ट डालेंगे, नमक, और ये करेले में थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ता है, फिर भी अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसको क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ढक देंगे। चलते हैं फ्रेंड, ओपन करते हैं। अब देखते हैं हमारी करेली की सब्जी कैसी हुई है। अभी थोड़ा चला देंगे इसको, इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे।
मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए और ढक कर रख देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हमारी करेले की सब्जी कितनी बेहतरीन हुई है। इसको चला लेंगे। इसको रोटी के साथ खाइए या दाल चावल बनाइए उसके साथ खाइए, बहुत बेहतरीन होगी, खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो फ्रेंड जो टमाटर हमारा बचा था हाफ वो डाल देंगे और 2 मिनट के लिए और ढक कर रख देंगे इसको। इसको अच्छा से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। दो मिनट के लिए ढक देंगे इसको और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स।